हेलो एवरीवन, वेलकम टू परसेंटेज क्लासेस। सो अभी मैं 2021 ओरिजिनल पेपर ऑफ इंदौर इज आउट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन में 31 टू 45। शुरू स्टार्ट विद, आई वुड लाइक टू टेल यू द पीपल दैट लास्ट ईयर देयर वर 30 क्वेश्चन इन आईपीमेट इंग्लिश सेक्शन। सो उसमें से 15 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर इन द ओरिजिनल पेपर इट वाज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 टू 60 एंड इन दिस पार्ट आई हैव टेकन 31 टू 45। सो दिस इज द पार्ट वन। नेक्स्ट 46 to 60 we are going to take up in the second part. So English section देखने वाले हैं आज अपन। So to start with, I would like to tell you people कि already इस paper का analysis मैंने बनाया था, जिसमें मैंने discuss किया था कि कितने question आपको topic wise आए थे। And I would like to stress on this point again that vocab काफी important है आप लोगों के लिए। Last year का total अगर देखा जाए तो उसमें से 40 around 50% question जो आपको vocab से आ रहे हैं। So I'm stressing it again कि vocab पे काफी अच्छे से stress करो, नोट्स बनाओ प्रॉपरली, सेंटेंस मेकिंग करो, वर्ड यूसेज का ध्यान रखो, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग द पेपर। सो द पहला क्वेश्चन टू स्टार्ट विद, ये सेक्शन जो है आपको आरसी से स्टार्ट हुआ था। तो ये 31 से 36 तक ये पर्टिकुलर आरसी था। दिस वाज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको जो मिला था वो ये था। इट इज अबाउट एंशियंट रोम आफ्टर द विक्टोरियन एरा, ट्रेनिंग इन लॉजिक एंड रेटोरिक वाज मेंट टू हेल्प। सो आई एम जस्ट यू नो this the entire RC I have kept in one slide so that you people can just pause right here and read it yourself। इसको एक बार read कर लो यहाँ पे pause करके, ठीक, so that जो questions अब आने वाले हैं वो आप अब solve कर पाओगे, ठीक है। I hope आपने read कर लिया होगा अभी, and now we are going for the questions। Question number 31 is about the writer of the passage suggest that। तो writer आपको क्या suggest कर रहा है इस बारे में question है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप लोगों ने इस पैसेज को रीड किया होगा, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस पैसेज इज बेसिकली अबाउट हाउ, जैसे फर्स्ट देखो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मोस्टली आपको पैसेज की स्टार्टिंग और एंडिंग से थोड़ा सा ऑप्शंस को मैच करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस भी देखेंगे, ऑप्शंस को भी एलिमिनेट किया जा सकता है। सो लेट्स रीड फ्यू स्टार्टिंग लाइन फ्रॉम एंशियंट रोम अप टू द विक्टोरियन एरा। अ ट्रेनिंग इन लॉजिक एंड रिटोरिक वाज मेंट टू हेल्प प्रिविलेज्ड यंग मेन रिकॉग्नाइज स्पूरियस आर्ग्यूमेंट एंड फैक्ट। टाइम्स हैव चेंज्ड बट कंटेम्पररी इटली इज डिटरमाइंड दैट इट्स यूथ आर प्रिपेयर्ड एज देयर एंशियंट काउंटरपार्ट वर, ठीक है। तो इटली अभी भी उसी तरीके से प्रिपेयर करना चाहती है यूथ को जैसे कि पहले किया जाता था। टू एंगेज मीनिंगफुली विद द प्रेजेंट डे वर्जन ऑफ द फोरम, तो जो पहले फोरम हुआ करता था उसको भी क्या बोला है सोशल मीडिया। एट द एंड ऑफ द अक्टूबर 8000 इटली स्कूल विल टीच देयर ग्रेजुएट हाउ टू स्पॉट फेक न्यूज थ्रू अ प्रोग्राम डेवलप विद द हेल्प ऑफ जर्नलिस्ट एज वेल एज टेक जायंट गूगल एंड फेसबुक। इन इजराइल द यूनिवर्सिटी ऑफ एफिया इज लॉन्चिंग अ कोर्स टाइटल फेक न्यूज, ठीक है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ऑप्शन से अपन किसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन है द पर्पस ऑफ एजुकेशन इन अर्ली टाइम्स वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज नाउ, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। पहली दो लाइन से हम समझ सकते हैं दैट ऑथर इज ट्राइंग टू स्ट्रेस ऑन दैट वॉट एवर इन द एंशियंट टाइम वर डन द सेम थिंग द प्रेजेंट सिनेरियो इज दे आर ट्राइंग टू कंटिन्यू द सेम काइंड ऑफ एन एजुकेशन। सो वील से दैट ए आंसर नहीं हो सकता आपका। नाउ There are similarities in the aim of education in the early times with those of today. This sounds to be very much correct. But the purpose of education in early time was to help student attain a position of privilege. That's not the thing. Because यहाँ पे purpose जो हमें बताया गया है, that's about understanding the correct version of what you read, right? So as times have changed, the basis of education has expanded. तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, आप में से कई लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। सो बेसिस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो यू माइट गेट कंफ्यूज कि यार पहले जो बेसिस था वो इट वाज यूनिवर्सिटी एंड ऑल, नाउ अब जो है बेसिस बदल गया सोशल। सो बेसिस हैज रिमेन्ड द सेम, ठीक है, बेस अभी भी वही है दैट दे आर ट्राइंग टू टीच अस दैट टू आइडेंटिफाई द यू नो करेक्ट थिंग द राइट थिंग व्हाट एवर इज रिटन। सो यू हैव टू यू नीड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पूरियस एंड व्हाट इज ओरिजिनल, ठीक है। तो ये बेसिस पहले भी था और ये बेसिस अभी भी है, दैट मीन्स ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। सो द आंसर विल बी बी, ठीक। सो मुझे जरूर बताना कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन में 31 का क्या आंसर किया, ठीक, बिकॉज आई होप दैट के आंसर बी किया हो। कुछ बच्चे डी के साथ कंफ्यूज भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सपैंड, तो हमें ऐसा फील हो सकता है कि पहले के सोशल मीडिया के बारे में अभी बात हो रही है, सो
वी माइट गेट कंफ्यूज विद दिस वर्ड. ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं. द पैसेज पॉइंट्स आउट दैट एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मीडिया एंड सोशल मीडिया इज दैट. चलिए तो ट्रेडिशनल मीडिया और सोशल मीडिया के बारे में डिफरेंस आपको कहाँ पे दिया हुआ है वो हम देखने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रेडिशनल एक वर्ड दिया हुआ है आपको. सो ट्रेडिशनल और लेगेसी मीडिया इज ऑर्डर्ड बाय अ नीड फॉर बैलेंस. अ न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल हैज सेक्शंस दैट डील विद पॉलिटिक्स क्राइम रिपोर्ट क्राइम स्पोर्ट्स एटसेट्रा. देयर इज एट लीस्ट इन प्रिंसिपल एन अटेम्प्ट टू टेल बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी इन ईच रिपोर्ट. ऑन सोशल मीडिया द ओनली एडिटर इज द यूजर हरसेल्फ. ठीक है सो फील्स लाइक सोशल मीडिया रीचेस मोर पीपल ये दिया नहीं है. ट्रेडिशनल मीडिया ट्राइज टू प्रेजेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. दिस माइट बी करेक्ट बिकॉज हमें बताया गया है कि वो बैलेंस न्यूज देते हैं. सोशल मीडिया इज मोर बैलेंस. नो सोशल मीडिया इज नॉट. इट इज इजियर टू स्प्रेड फेक स्टोरीज थ्रू ट्रेडिशनल. ये भी गलत हो जाएगा ये उल्टा दिया हुआ. ठीक है सो आंसर विल बी बी. ये आप क्लियरली आई होप आप लोगों ने इसको आंसर कर दिया होगा बिकॉज इसमें कोई कंफ्यूजन एज सच नहीं है अंटिल एंड अनलेस यू हैव रेड समथिंग रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं. सोशल मीडिया इज डेंजरस इन इट्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ओपिनियन इन रीडर्स थ्रू. तो सोशल मीडिया कैसे डेंजरस है उसके बारे में पूछा गया है. इट्स चॉइस ऑफ न्यूज आइटम विच आर प्रेजेंटेड इट्स बैलेंस रिपोर्टिंग ऑफ वाइड. ये तो नहीं होगा. कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली. जिनको एलिमिनेट कर सकते हैं उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए. सी इट्स एबिलिटी टू गाइड द रीडर टू मोटिवेट कंक्लूजन. ये भी नहीं है. द क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग डुबियस फैक्ट. ठीक है तो या तो आपका आंसर ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है. ठीक है अब यहाँ पे लेट्स गेट बैक टू द पैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आंसर क्या होगा. इसी पॉइंट को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दिया हुआ था द ट्रेडिशनल मीडिया इज मोर वाइडर. ठीक है ट्रेडिशनल मीडिया की जो चॉइसेस हैं जो आपको प्रेजेंट की जाती है न्यूज की दैट्स क्वाइट डिफरेंट इन द सोशल मीडिया. इस हिसाब से आपका आंसर ए हो जाएगा. इट्स चॉइस ऑफ न्यूज आइटम विच आर प्रेजेंटेड. ठीक है यहाँ पे चॉइस जो है वो बहुत ज्यादा नैरो रखते हैं वो. ठीक है इट इज अबाउट रिलेवेंट टू द ओनली थिंग दैट दे वांट टू प्रेजेंट नॉट इन द वाइडर सेंस. ये सबसे डेंजरस चीज है सोशल मीडिया के बारे में. ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं. वेस्टेड इंटरेस्ट मीन. ठीक है सो वेस्टेड इंटरेस्ट का क्या मीनिंग होता है इसके लिए तो इवन यू डोंट हैव टू गेट बैक टू द पैसेज. आप ऐसे भी समझ सकते हो. वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है व्हाट इंटरेस्ट यू. ठीक है आपके मतलब की चीज. ठीक है सो इट मीन्स बेसिकली सी सेल्फ सर्विंग इंटेंशंस देन आल्सो इफ यू वांट टू गेट बैक. अगर आप वापस आना चाहते हो और देखना चाहते हो तो आप इसको एक बार देख सकते हो. ठीक है कि ये विच पार्ट ऑफ द पैरा जो पैरा में दिस वन एज यू कम टू दिस थिंग यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस. दिस इज द सेकंड स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ द सेकंड पैरा. सो द पर्पस ऑफ दिस कोर्स इज टू इंश्योर दैट पब्लिक डिबेट पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन इज नॉट हाईजैक्ड बाय द वेस्टेड इंटरेस्ट. राइट so in here you will be able to understand self interest kisi ka bhi. That's the wasted interest. That means self serving intention. That's the answer is C. Question number 35 pe aate hain. The antonym of spurious. Acha question number 34 mein no there is no other option as well jo aapko confuse kare. Jaise ki hidden purpose, popular interest. Popular interest hota to wo fir ek positive word hota na. To ye to bilkul nahi hoga. Profitable motives ये भी नहीं होगा. ठीक है सो सेल्फ सर्विंग इंटेंशंस इज द ओनली आंसर. 35 पे आते हैं. द एंटोनिम ऑफ स्पूरियस. स्पूरियस जो वर्ड है उसका मतलब भी होता है मिक्स्ड या फिर अनओरिजिनल. ठीक है तो इसका एंटोनिम अगर आपसे पूछा गया है तो एंटोनिम होगा ओरिजिनल या फिर अनमिक्स्ड. राइट सो दैट मीन्स जेन्युइन. ठीक तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके लिए आपको वापस आरसी तक जाने की भी जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 36. The writer of the passage calls social media the present-day version of the Roman Forum because it is a space for. ठीक है ना अब ये थोड़ा सा हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं बिकॉज ये वो हमें स्टार्टिंग में भी स्टार्टिंग के फर्स्ट पैरा में ये ऑलरेडी दिया हुआ है. As their ancient counterparts were to engage meaningfully with the present-day version of the forum. तो present-day of the version of the forum उन्हें बोला है social media को. ठीक है और वो फोरम को किस तरीके से देखते थे देखोगे ध्यान से तो फ्रॉम एंशियंट रोम अप टू विक्टोरियन एरा द ट्रेनिंग इन लॉजिक एंड रेटोरिक वाज मेंट टू हेल्प प्रिविलेज्ड यंग मेन रिकॉग्नाइज स्पूरियस आर्ग्यूमेंट्स एंड फैक्ट. ठीक है तो इस फोरम इज बीइंग बेसिकली
And times have changed, but contemporary Italy determined that its youth are prepared as their ancient counterpart were to engage meaningfully with the present day version of the forum. ठीक है, तो यहाँ पे फोरम एक ऐसा प्लेस बताया गया है जहां पे हर चीज को डिस्कस किया जा रहा है. ठीक है, अ प्लेस वेयर थिंग्स आर डिस्कस्ड. ठीक है, और जहां पे देयर इज क्वाइट चांसेस के जो आर्ग्यूमेंट्स है या जो फैक्ट्स है वो स्पूरियस भी हो. ठीक, बट इन ही ऑल्सो फोरम इज बीइंग इक्वेटेड विद सोशल मीडिया. ठीक है, अब सोशल मीडिया पे लोग अपने हिसाब से चीजों को स्प्रेड करते हैं एंड दिस इज इन द पैसेज ऑथर इज क्वाइट अलर्ट एंड कॉशियस विद दैट द रीडर माइट गेट सम न्यूज विच इज नॉट इंटायरली करेक्ट. ठीक है, बट फोरम एज सच डज नॉट साउंड वेरी नेगेटिव टू मी. ठीक, सो आई फील लाइक इसका आंसर डिस्कसिंग आइडियाज होना चाहिए. B should be the answer. Now, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं इस पर्टिकुलर डी ऑप्शन को लेके, स्प्रेडिंग स्पूरियस आर्ग्यूमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द राइट ऑफ द प्रेस इज कॉल्ड सोशल मीडिया. अब सोशल मीडिया को क्यों बोला गया है, क्योंकि वहां पे एवरी वन इज ओपन टू डिस्कस एवरीथिंग. ठीक है, फोरम वर्ड स्पेसिफिकली यूज हुआ है. ठीक, बट that the things which are discussed here, how much they are actually correct. ठीक है, that's the entirely different thing. ठीक है, but just meaning के साथ उसने social media को the present day version of forum use किया, that's just because there are number of ideas being discussed. तो मेरे हिसाब से इसका answer B होना चाहिए. Although some people might be confused with spreading spurious argument, क्योंकि यहाँ पे ये word use भी हुआ है. कभी कभी बच्चे because of only matching some word, कुछ word ही match कर रहे होते हैं that हाँ ये same term यहाँ भी use हुई, वहाँ भी use हुई, जो उनको confuse भी कर सकता है. But according to me, इसका correct answer जो है वो discussing ideas होना चाहिए. ठीक है, let's you people keep telling me कि आपने answer किया था, because you know the most beautiful part of English is and specifically RCs में there's always a chance of discussion. You know, आप कभी भी कोई answer जब tick करते हो तो आप हमेशा कुछ सोच के ही करते हो. So there's always some argument that you can put up, like I felt that this is the answer, right? तो हाँ, अगर आपने कुछ और answer किया तो आप मुझे बताएं जरूर. Now moving on to the next question. ये अपना आज की वाला सेक्शन खत्म होता है. नाउ वी आर क्वेश्चन नंबर 37-42. यहाँ पे आपको कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ठीक है, तो आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है जिसके बाद का पार्ट इट इज बीइंग सेड दैट यू हैव टू कंप्लीट इट. द फर्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 37, द इंपेशेंट एंड इनटॉलरेंट मदर मेड एवरी एफर्ट टू. ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन जो है इट्स बीइंग यू नो मैटर ऑफ डिबेट. काफी इस पर डिस्कशन हमने अपने स्टूडेंट के साथ भी किया और आपने भी अगर कुछ और आंसर किया है सो प्लीज टेल मी. सो ऑप्शन ए इज डोमिनियर हर चिल्ड्रन. देखो, इसमें दो ऑप्शंस तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे. डोमिनेट हर चाइल्ड्स लाइव्स, तो ये प्लूरल दिया हुआ है तो चाइल्ड सिंगुलर है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे. डोमिनियन होगा नहीं तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद ए एंड सी, दो के साथ हम बच जाते हैं. नाउ डोमिनियर हर चिल्ड्रन और डोमिनेट हर चिल्ड्रन. देखो, यहाँ पे दो चीजें होती है, डोमिनेट एंड डोमिनियर को अगर हम कंपेयर करें तो डोमिनियर इज सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव वर्ड जो ज्यादा नेगेटिविटी आपको इम्प्लाई करता है. डोमिनेट इज द वर्ड लाइक, हाँ डोमिनेट भी थोड़ा नेगेटिव तो होता है बट डोमिनियर इज एरोगेंट. ठीक है, जहाँ पे एरोगेंटली कोई किसी पे डोमिनेट करना चाहता है, दैट्स डोमिनियर. तो यहाँ पे द सेंटेंस गिव्स मी द काइंड ऑफ वाइब, जैसे यहाँ पे इम्पेशेंट यूज किया है, intolerant use kiya hai, so that gives me a kind of vibes that I feel like a domineer her children zyada sahi option rahega. theek hai, although dominate bhi kafi confuse kar sakta hai, aapko ko feel ho sakta hai ki dominate hona chahiye because yahan pe mother word use hua hai, but fir bhi ye sentence jo hai isme do aise adjectives use hue hain which makes me feel like specifically intolerant. इनटॉलरेंट से वैसा वाला वाइब्स आता है where people have been very arrogant and not listening to others' voice. That make me feel like a domineer her children is the more appropriate option that we should pick, right? तो इसका आंसर ए होना चाहिए. although आपने अगर कुछ और आंसर किया so do tell me. Now question 38. To avoid the ecological issues, scientists and government agencies consider how sustainable development. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद वाला पार्ट आपको यहाँ पे बताना है. तो कुछ ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर देंगे हम, जैसे इज अफेक्शनेट टू द चिल्ड्रन
sorry, citizen is effective to the citizen, and then we are left with A and B. ठीक है, तो अगेन दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन होमोफोन काफी ज्यादा यूज, और ये लास्ट टू लास्ट ईयर ऑल्सो दिस पेयर वॉज देयर इन द एग्जाम, और इसको मैंने बहुत बहुत ज्यादा बच्चों को स्ट्रेस करके पढ़ाया है, याद रखिए दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रामर एंड वोकैब बोथ. तो इफेक्ट एंड अफेक्ट बेसिकली दीज आर द होमोफोन्स या कंफ्यूजिबल्स के अंदर आते हैं. ये इफेक्ट इज अ नाउ, आई नाउ हैव मोर प्रोडक्टिव टाइम ड्यूरिंग द डे बिकॉज आई कीप द ऑफिस गॉसिप्स. ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस. नाउ अ फुट अवे, एट आर्म्स लेंथ, एट बेस लेंथ, आउट ऑफ हार्म्स वे. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इट्स एन इडियम एंड द आंसर इज बी. एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंट, अवे, राइट? तो वो आपका आंसर है. ये दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इडियम, सो इडियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इस पे काफी स्ट्रेस मैं भी करती हूँ और आप लोगों को भी करना चाहिए अगर आप नेक्स्ट ईयर आईपीएमएट देने का प्लान कर रहे हैं तो. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42. We need to cut down our expenses so that we are able to. ठीक है, so we need to cut down expenses so that we are able to. तो cut down अगर अपने expenses करते हैं तो क्यों करते हैं वो, so that we can survive. So इसके लिए जो idiom use होती है वो होती है make ends meet. ठीक है, make ends meet इसका मतलब होता है able to survive within the means. जो आपके means है उसके अंदर अंदर survive कर पाना, that means make ends meet. That means when you have the salary and you can survive in that particular salary, right? तो उसको अपन बोलते हैं make ends meet. ठीक है, now be tie up the loose ends, be tax compliant, be more philanthropic. ये सभी कुछ option तो आप ऐसे eliminate कर दोगे. ठीक है, सकते हैं ये अभी मैं थोड़ा बहुत confusion हूँ, but make ends meet is a very usual kind of an idiom. तो ये भी I hope आप लोग भी करके आए होंगे, वो भी correct करके आए होंगे. A portion of the house collapsed because the contractor. ठीक है, now this is the part we need to find. And build it with poor quality material. तो feel like यहाँ पे कुछ ऐसा phrase आना चाहिए जिसका meaning होना चाहिए कि contractor ने ची के काफी पैसा बचाया and जो money था उसको poor quality material use करते हुए बचा लिया. This is what the sentence is trying to convey, right? Short change places, cut corners, right? So cut corners means save money by using cheaper material, or cut corners means चीजों में जो budget किसी चीज के लिए दिया गया है to save the budget which is being allocated to a particular thing. जैसे कि अगर आप दूसरे तरीके से इसको दूसरे example से समझाएं, तो जैसे in a particular organization, in a particular institute, there are a particular budget which is being allocated to a particular thing. तो वहां पे यू यूज अ चीपर आइटम और यू सम हाउ कट द कॉर्नर्स एंड सेव सम मनी आउट ऑफ दैट. ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड कट कॉर्नर्स एंड दिस शुड बी योर आंसर. आई होप इसका आंसर आप लोगों ने भी ठीक किया होगा बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन जो यहाँ पे सुटेबली फिट हो पाए. तो कोई कंफ्यूजन भी एज सच नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं अपन. आर टीम हैज वन एवरी सिंगल मैच दैट दे हैव प्लेड सिंस जनवरी. दे सीम टू बी now rolling in luck, rolling in money, on a roll, on a roller coaster. So on a roller coaster तो ऐसे ही आप लोगों ने eliminate कर दिया होगा. Correct answer on a roll होना चाहिए, जिसका मतलब होता है being lucky. On a roll means being lucky in successively. ठीक है, successively चीजों में lucky रहना is called on a roll. Answer इसका C होगा. I hope ये answer आप लोगों ने भी सही किया होगा. Rolling in luck को देख के मे बी आप कंफ्यूज हो गए हो, बट दैट विल नॉट बी द आंसर. सो डू लेट मी नो आप लोगों ने क्या आंसर किया इसमें. नाउ क्वेश्चन 43 पे आते हैं. अदर पॉलिटिशियंस मे हैव क्लेम. तो इस पर्टिकुलर पार्ट में जो क्वेश्चन 43 to 45 पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज बीइंग अंडरलाइन, और वो अंडरलाइन पार्ट आपको बताना है किस ऑप्शन से आप से रिप्लेस कर सकते हो, विच कैन बी द मोर अप्रोप्रिएट सेंटेंस टू बी यूज देयर. ठीक है, so other politicians may have claims to seniority over their peers based on upon their accomplishment and their ability to lead campaigns, but Alexandria Ocasio-Cortez, who is often described as merely being a junior member of House of Representatives, has an unparalleled seniority over all of them by virtue of her powers in social media management. ठीक है,
तो डिस्क्राइब्ड के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल अब ऐसे क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिलते हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए दैट इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि इस पार्ट में एरर क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एरर है मेयरली में। ठीक है, एज मेयर होना चाहिए था ये, एज मेयरली बींग इज रॉन्ग। ठीक है, गलत हो गया। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑप्शंस में हमें क्या मिल रहा है। सो ऑप्शन ए इज एज मेयरली बींग जूनियर मेंबर ऑफ द, इसको तो एलिमिनेट कर दो, एज बींग अ मेयरली जूनियर मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सो दिस इज अगेन फॉर मेयरली बींग अ जूनियर मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एज अ मेयर जूनियर मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सो फॉर मी दिस साउंड्स टू बी करेक्ट ऑप्शन बिकॉज आई टोल्ड यू दैट मेयरली नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सो एज अ मेयर जूनियर मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीम्स करेक्ट टू मी, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा, दिस क्वेश्चन वॉज नॉट वेरी टफ बट इट वॉज वर्डी, हो सकता है थोड़ा लेंथी रहा हो आपके लिए, रीड करते वक्त आप शायद आइडेंटिफाई ना कर पाए हो, तो लेट मी नो क्या किया आप लोगों ने, आंसर करेक्ट किया। यानी क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। ऑल्दो द कोस्टल सिटी ऑफ कांदापुर वॉज वंस होम ऑफ फ्लोरिशिंग मैरिटाइम ट्रेड, देयर इकोनॉमी हैज बीन डिपेंडेंट इन मोर रिसेंट ईयर्स ऑन द कॉटन टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्री। आई एम श्योर क्वेश्चन नंबर 44 आप लोग सही करके ही आए होंगे। इसमें रीड करते से अपन को समझ में आ जाता है दैट देयर दे हैव यूज्ड इज रॉन्ग, क्योंकि देयर इज यूज फॉर कुंडापुर, दैट्स नॉट करेक्ट। ठीक है, बिकॉज इट्स सिंगुलर तो आपको सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना होगा, दैट ऑल्सो अगेन यहाँ पे ऑप्शन ए और बी है। सो इट इज बेस्ड ऑन अगेन दिस पेयर दैट आई टी एस एंड आई टी एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, सो आई टी एस इज द करेक्ट आंसर, आंसर बी होगा बिकॉज दिस इज द एब्रीविएशन ऑफ इट इज। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। ड्यू टू प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड एडवांस इन न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, लेस पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम द इन्फेक्टियस डिजीज देन एवर बिफोर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रीड करते से एक बार रिंग होनी चाहिए आपके माइंड में। पहला पॉइंट है यहाँ पे टी एच ई एन, देन नहीं होना चाहिए, शुड बी टी एच ए एन, वी आर ट्राइंग टू कंपेयर हियर। ठीक है, कंपेरिजन के लिए हम टी एच ए एन देन यूज करते हैं। सेकेंडली इफ यू टॉकिंग अबाउट पीपल विच इज काउंटेबल, ठीक है, तो लेस यूज नहीं करते हम, क्या यूज करते हैं, फ्यूअर। कंपेरिजन है तो फ्यूअर यूज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी ऑप्शन में कहाँ पे हमें ये चीज मिल पा रही है। तो फ्यूअर है तो टी एच एन देन है, इसको एलिमिनेट कर दे। लेस है तो टी एच एन देन है, तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। फ्यूअर पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम इन्फेक्टेड डिजीज देन एवर बिफोर, सो सी इज योर आंसर। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सही पकड़ लिया होगा, आपका आंसर भी बिल्कुल सही आया होगा। ठीक है, सो एवरीवन क्वेश्चन नंबर 45 तक आज हमने कंप्लीट किया है, द सेशन इज डन नाउ एंड आई होप बिल्कुल आपको हेल्पफुल होगा। देखिए, सॉल्यूशंस देखना इंपॉर्टेंट होता है पास्ट ईयर के, बिकॉज दैट्स हाउ यू गेट्स टू नो भाई ये क्वेश्चन आए थे और अभी हम यहाँ पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे अगर देखते वक्त वीडियो को, दैट विल बी वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा ये। ठीक है एवरीवन, सो बाय बाय, बेस्ट लक।